हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कल के दिन 26 जुलाई को ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स और हम लोग को टारगेट दिखा सकता है। तो अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन सिनारियो बन रहा है आज के दिन, जैसा हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था लास्ट डे कि अगर ये 585 को ब्रेक करता है तो हमारे हम ये दोनों टारगेट देखने को मिल सकता है, और नीचे की ओर अगर ये ब्रेक करता है तो ये दोनों टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आज देखेंगे पहले 15 मिनट में बहुत ही स्ट्रांग कैंडल इसने बनाया, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये नीचे की ओर धड़ाक से गिरा है। कभी भी इसने अपने लो को यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पे जो सेलिंग हुई है बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग हुई है। और अभी ये 15 शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्टाब्लिश हो गया है, क्योंकि ये अभी तक एक बार भी इसने अपना यहाँ पे जो भी इसने हाई लगाया था उसको ब्रेक नहीं किया है। तो अभी अगर ये यहाँ पे इसने रेंज का ऊपर और नीचे दोनों की ओर ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया है, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग को देखना पड़ेगा ये जो यहाँ पे रेंज है, क्योंकि ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ है। जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो बहुत तेजी से रैलिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे बायर्स इसको बाई करके ले गए होंगे, लेकिन जब एक कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनाने के बाद सेकेंड कैंडल का फॉलो अप मिला होगा, उसके बाद इस लेवल के बाद बहुत तेजी इसके अंदर सेलिंग हुई होगी, ठीक है। तो अगर कल के दिन फिर से हमें ये 569 570 को ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो फास्ट टारगेट नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। एंड ऊपर अभी ये जब तक लास्ट हमारा स्विंग इंटैक्ट है तब तक कोई ऊपर बाइंग की ओर मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग नीचे की ओर बात करेंगे, उसके पहले एक बार हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं वहाँ पे क्या सिनारियो क्रिएट हो रखा है। तो वहाँ पे बिल्कुल ये अपने रेजिस्टेंस के पास से ही यहाँ पे एक शानदार रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन में से रेजिस्टेंस ले रहा है। और आज का जो कैंडल है यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा कैंडल है जो कि पिछले 2 दिन के कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ कर रखा है, ठीक है। तो बियरिश कैंडल बना है और 2 दिन का जो भी यहाँ पे मोमेंटम था उसको यहाँ पे ये उसको इनगल्फ करता हुआ हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, अगर इसको यहाँ पे फॉलो अप मिलता है, मतलब ये जो कैंडल बना है इसको फॉलो अप मिलेगा तो ये नीचे से आने की कोशिश करेगा, और ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है इसको एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कल के दिन यहाँ पे नीचे की ओर एक मोमेंटम देख सकते हैं, अगर ये अपने ये 570 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो, ठीक है, अगर ये 570 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो नीचे की ओर जो हम लोग को पहला टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है, वो देखने को मिलेगा यहाँ पे 567 का देखने को मिलेगा। और जो सेकेंड टारगेट हम लोग को नीचे की ओर देखने को मिलेगा, सेकेंड टारगेट हम लोग को नीचे की ओर जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 562 का, ठीक है। तो 570 को ब्रेक करता है तो 566 एंड 562 का हम लोग को टारगेट नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। ऊपर की बात करें तो ऊपर अगर ये स्विंग क्रॉस होता है, ठीक है, अगर 580 का लेवल यहाँ पे ऊपर की ओर क्रॉस होता है तो हम लोग को जो पहला ऊपर की ओर टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 583 का, एंड जो सेकेंड टारगेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 584.5 का, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर दो टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट है, क्योंकि अभी एक जोन में फंसा हुआ है, जब भी जोन में फंसता है ये, ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमें लेवल्स और टारगेट दिखाता है। तो कल के दिन 570 ब्रेक होता है तो 566 का पहला टारगेट, 562 का दूसरा टारगेट, यहाँ पे 580 ब्रेक होता है तो 582 का पहला टारगेट एंड 584.5 का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।